प्रदेश मौसम की ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश में इन जिलों में मौसम विभाग ने जारी की ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। तो स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के विषय में। क्या है जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आता लाइक करें और ऐसे दिल तक शेयर करें। आई बताते हैं अपडेट की ओर। दर्शकों, नौतपे में नरम पड़ा सूरज का मिजाज, कुछ इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया है। नौतपे में सूरज ने अपने तेवर ठंडे कर लिए हैं। शनिवार का दिन प्रदेश के लिए थोड़ा सा राहत भरा रहा, जहां दिन का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं सिंगरौली जिले में लगातार तीसरे दिन भी आंधी तूफान बारिश के साथ ओले गिरे। दरअसल मानसून ने 1 जून को केरल पहुंचने के संकेत मिले हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश में 1-2 जून को अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। रविवार को गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि राजस्थान से उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़ तक एक ट्रफ बना हुआ है। अरब सागर में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है, साथ ही औसत लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नमी आ रही है। इस वजह से रविवार को शहर में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। सोमवार मंगलवार को राजधानी में तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। दोस्तों, इधर नौतपे के पहले दिन अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री दर्ज हुआ। इसके बाद तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट महसूस की गई, वहीं न्यूनतम तापमान पहले दिन के मुताबिक लगातार बढ़ा है। वहीं मानसून के मौसम सोमवार तक केरल में दस्तक देने की संभावना जताई गई है। इसके बाद यह सिलसिला रुक रुक कर मानसून के दस्तक देने तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी और बारिश की संभावनाएं जताई हैं और साथ ही प्री मानसून को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है।